गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। नया वीक, नया दिन और नया टॉपिक। नहीं, इनफैक्ट नया टॉपिक नहीं। व्हाट आई विल डू इज आई विल रिपीट वन मोर सेशन ऑफ व्हाट वी डिड लास्ट वीक, एंड देन फ्रॉम टुमारो आई विल बी स्टार्टिंग और आई विल बी एलिवेटिंग द सेम टॉपिक टू नेक्स्ट लेवल। बिकॉज मैंने जो लास्ट वीक आखिरी में आपको जो होमवर्क दिया था, that had few of the learning points, जिसमें से काफी मैंने मेरे doubt session में cover किए थे, मगर फिर भी as you must have known till now, I'm a guy who doesn't get satisfied too early. मुझे अंदर से ऐसा होता है, नहीं अभी भी एक और session, और एक session, और एक session, because I want that fineness, I want that concept to be crystal clear. Okay, so that when I go to next level, it's not only me who is going to next level, it is us who is going to next level. And so one more session, once again, understand how I identify, how I classify the things. Once again, definition pakad ke chalna. To become a person, as I told in the definition, in my doubt session itself, person banne ke liye, teen khubiya, can, डू इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन देयर ओन नेम, कैन स्यू अदर्स एंड कैन बी स्यूड बाय अदर्स। और ये खूबियां सिर्फ और सिर्फ 7 कैटेगरीज में है, जो हमने पहले सेशन में देखा था। नंबर 1 इंडिविजुअल में होती है, सेकंड कोई भी कंपनी में होती है, थर्ड कोई भी फर्म में होती है, फोर्थ कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में होती है, फिफ्थ कोई भी बैंक में होती है, सिक्स कोई भी एजेपी में होती है, एंड सेवन कोई भी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में होती है। ये पहला सेशन, तो आज एक काम करेंगे, बिफोर आई एंड द थिंग्स वी विल प्रूव दैट व्होएवर वी आर कॉलिंग पर्सनल अकाउंट, नंबर 1 दे विल बी हैविंग दिस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नंबर 2 दे विल बी अमंगस्ट दिस। अगर इसमें नहीं है तो पर्सनल बन ही नहीं सकता। जो ये कैटेगरी में नहीं आता वो सब इम्पर्सनल बन जाएगा, ठीक है। तो वापस हमारा जो सिक्वेंस है वही रहेगा। Step 1 will be meaning, जो भी अकाउंट है उसका मीनिंग समझिए, एंड देन सेकेंड विल बी एप्लीकेशन ऑफ दिस 3 थिंग्स। अगर ये तीनों सेट हो गया तो पर्सनल, नहीं हुआ तो इम्पर्सनल। होप दैट इज क्लियर। लेट्स स्टार्ट विद द थिंग्स। टू स्टार्ट विद फर्स्ट वन, फर्स्ट यू आर टोल्ड सैलरी। Now, what is salary basically? If you can understand, salary is a remuneration. What is remuneration? It's an amount paid to employee by his employer for giving his time, giving his energy, and giving his intellect to the business of employer. And if that remuneration is paid to a person who is not directly involved in production, then it will be termed as salary. Hope that is clear. It's a revenue expense, हर महीने देना पड़ता है। तो because it's a revenue expense, now revenue expense doesn't fall in any of the category. You might say, sir, salary pay तो person को की जाती है ना, किसी person को, तो sir salary कहीं ना कहीं तो person। See once again, ये बहुत बढ़िया doubt था जो मुझे एक student ने पूछा था phone पर 24th morning को, कि सर सैलरी पे की जाती है कोई पर्सन को, तो कहीं ना कहीं तो पर्सन हुआ ना। नहीं, गलत। आई टेल यू व्हाई। आपने मुझे सर्विस दिया, मैंने आपको पैसा दिया, कैश ट्रांजेक्शन या क्रेडिट ट्रांजेक्शन, बहुत सोचना मत, कैश ट्रांजेक्शन। क्यों कैश ट्रांजेक्शन? बिकॉज देर इज इमीडिएट सेटलमेंट। नाउ व्हेन एवर देर इज इमीडिएट सेटलमेंट, रिमेंबर वी डोंट मेंशन द पर्सन्स नेम। Hope that is clear. हाँ, आपने मुझे सर्विस दिया, मुझे आपको पैसा देना बाकी है, तो आपका नाम मेरी बुक में आएगा, क्योंकि मुझे आपको पैसा देना बाकी है, आप बन गए मेरे क्रेडिटर, लायबिलिटी।
पेबल, होप दैट इज क्लियर, तब जाके आपका नाम आता है। यहां पर सैलरी दिया है सिर्फ, तो इफ नथिंग इज मेंशन इट हैज बीन पेड, मैंने आपको पैसा दिया, आपने मुझे सर्विस दिया, ये मेरा खर्चा बन गया, आपका नाम कहीं नहीं आएगा, क्योंकि आपका नाम नहीं आएगा तो इन दिस ट्रांजेक्शन देर इज नो पर्सन इन्वॉल्व। टू गेट पर्सन इन्वॉल्व इन अ ट्रांजेक्शन इट हैज टू बी अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन, टू गेट, मार्क माई वर्ड्स, टू गेट अ पर्सन इन्वॉल्व इन अ ट्रांजेक्शन इट हैज टू बी अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन, होप दैट इज क्लियर। This is not a credit transaction. आपने मुझे सर्विस दी, मैंने आपको पैसा दिया, कहानी खत्म। ये हो गया आपका रेवेन्यू एक्सपेंस, और क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंस है तो ये कभी भी पर्सनल नहीं हो सकता। रेवेन्यू एक्सपेंस में इनडायरेक्ट एक्सपेंस। आगे बढ़ते हैं, वेजेस, वही रेवेन्यू एक्सपेंस, सिर्फ फर्क ये पड़ता है कि ये डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, दिस इज रेम्यूनरेशन पेड टू अ पर्सन हु इज डायरेक्टली इन्वॉल्वड इन प्रोडक्शन, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन, एंड बिकॉज इट्स वंस अगेन रेवेन्यू तो ये भी बन गया इम्पर्सनल। तीसरे नंबर पर आ रहा है वेजेस पेबल, अब ये ध्यान से देखना, what is wages payable, so don't focus on, once again we have mentioned this, don't focus on word wages, kyunki you have to focus on word payable. payable ka matlab hai pay karna baki hai, pay karna baki hai ka matlab hai aapne mujhe service diya magar mujhe aapko pay karna baki hai, to ye ban gaya credit transaction, credit yani person ab aayega। अगर एक बंदा होता, नाम लिख देता, एक से ज्यादा हुआ उनको ग्रुप में रखेंगे, उस ग्रुप को कहेंगे वेजेस पेबल, सो इट इज रिप्रेजेंटिंग द पर्सन फ्रॉम हूम वी हैव रिसीव्ड, इट इज रिप्रेजेंटिंग द पर्सन, यानी इंडिविजुअल्स में आएगा, इट इज ग्रुप ऑफ दैट इंडिविजुअल हु हैज गिवन अ सर्विस बट टू हूम वी आर येट टू पे बैक, yet to pay back, pay back करना बाकी है, तो ये liability, liability में current liability, hope things are clear। आगे insurance premium, ना सी कुछ बोला नहीं है, तो we are assuming के 1st April को भरा होगा, 31 मार्च तक benefit हमने ले लिया, 12 महीने का benefit आ गया है, तो ये बना हमारा रेवेन्यू एक्सपेंस, और क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंस है तो ये बन गया आपका इनपर्सनल अकाउंट। होप कल का डाउट सेशन आपने देखा है, किसी ने मुझे पता है फोन किया, शेनन स्कूल से था, और मैंने मुझे दो तीन सवाल पूछे, तो मैंने उसको काउंटर में सवाल पूछे कि अच्छा ये इसका मतलब क्या होता है, तो वो जवाब नहीं दे पाया। मैंने बोला बेटा तू डाउट सेशन नहीं देखता, बोले सर मैं देखता हूं, मैंने बोला तू नहीं देखता, बोले सर मेरे दोस्त लोग है ना उन्होंने बोला कि डाउट सेशन नहीं देखेगा ना तो चलेगा, मैंने बोला तो मैं भी जवाब नहीं दूंगा ना तो चलेगा, बिकॉज सी अंडरस्टैंड दिस, इन डाउट सेशन आई हैव टोल्ड यू एन नंबर ऑफ टाइम्स, तीन प्रकार के लोग हैं। नंबर वन, जिनको लगता है कि यार आज छुट्टी है, आज छुट्टी है, डाउट सेशन है यानी छुट्टी है, मेरे को कहा डाउट बाउट यार, इतना पढ़ना ही किसको है कि डाउट बाउट कोई देखे, एग्जाम आएगा देखा जाएगा, तब सारे डाउट सेशन एक साथ देख लेंगे। दूसरी कैटेगरी, वो आर कंसर्न ओनली विद देयर डाउट्स, मेरा वाला डाउट कौन सा है, वो क्या आठवें नंबर पर, तो आठ तक देखना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, आठ पर आ जाता हूँ और फिर वो देख कर बंद कर देता हूँ, गलत कर रहे हो। और तीसरे है जो पूरा डाउट सेशन देखते, डजंट मैटर वो 22 23 जो भी डाउट है उनमें उसके डाउट है कि नहीं है, डजंट मैटर, देखते सी, इट्स द एंगल ऑफ थिंकिंग दैट यू आर सपोज टू ऑब्जर्व ड्यूरिंग द डाउट सेशन, बी इन द थर्ड कैटेगरी, डोंट ट्राई टू बी इन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर फर्स्ट एंड सेकंड कैटेगरी में यहां पर रहने जाओगे ना तो जिंदगी में थर्ड कैटेगरी में चले जाओगे, और यहां पर अगर थर्ड कैटेगरी में रहोगे ना तो जिंदगी में हमेशा फर्स्ट कैटेगरी में रहोगे। So be absolutely clear with your doubt sessions and watch the entire doubt session, because I talk a lot during doubt session because I don't have boundaries, if you can understand, I just share my understanding, my knowledge, that's it, so
मेक श्योर यू आर वॉचिंग योर डाउट सेशन. सो इंश्योरेंस प्रीमियम में हमने देखा था इन माई डाउट सेशन दैट इट इज अ प्रीपेड कंसेप्ट बट डजंट मीन दैट एट द एंड ऑफ द ईयर इट इज प्रीपेड एक्सपेंस. Because if at all I pay on 1st April, then it is always paid for 12 months, then it, the benefit will be till 31st March. And on 31st March, if I ask, is any benefit yet to be received? Answer is no. Then there is nothing prepaid in insurance. Then it is entire revenue expense and all revenue expenses, I told you. Maine paisa diya, aapne service de diya, kahani khatam, impersonal. Magar, uske baad wala kehta hai, prepaid insurance. Ab ye concept, कब होता है जब इफ यू कैन अंडरस्टैंड यू आर पेइंग इंश्योरेंस ड्यूरिंग द ईयर. मेरा डाउट सेशन देखना, उसमें मैंने ये क्लियरली बताया है कि आपने इंश्योरेंस भरा 1 जनवरी 2021, तो ये कब तक चलेगा? 31 दिसंबर 2021 तक, जबकि हमारा ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 है. जब हम एनालिसिस करेंगे हर खर्चे का, हर रिसीट का, कि भैया खर्चा कितना, बेनिफिट खत्म हो गया है, कितना बाकी है, तो विल एनालाइज दैट जनवरी फरवरी मार्च तीन महीने का खर्चे का बेनिफिट एग्जॉस्ट हो चुका है. तो तीन महीने का इंश्योरेंस प्रीमियम हम रेवेन्यू एक्सपेंस गिन के एग्जॉस्ट गिना हुआ क्लोज कर देंगे पीएनएल. नौ महीने का प्रीमियम हमने पे कर दिया है मगर हमें बेनिफिट अगले साल मिलने वाला है, मिलना बाकी है, तो उसे कहेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस. मिलना बाकी है तो ये हो गया असेट, और एक साल के अंदर मिलेगा तो करंट असेट. और क्योंकि मिलना बाकी है, किससे मिलना बाकी है? उस इंश्योरेंस कंपनी से मिलना बाकी है. इंश्योरेंस कंपनी फॉल्स इन दिस कैटेगरी, सो इट इज पर्सन. एक से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनी हुई तो उनको ग्रुप के अंदर लेकर आएंगे, उस ग्रुप को कहेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस. सो व्हाट इज प्रीपेड इंश्योरेंस रिप्रेजेंटिंग? इट इज रिप्रेजेंटिंग दोस इंश्योरेंस कंपनी जिसको आपने पे किया है मगर जिससे सर्विस लेना बाकी है. Things are clear. This is absolutely clear. वो prepaid concept phone की बात कर रहा था. पहले pay करो, फिर service दूंगा. वो concept है. इसलिए whenever you pay for at a stroke 12 months. अगर 1st April को भरा तो 31 मार्च तक खत्म हो जाएगा. उस premium में कुछ prepaid insurance नहीं होगा. On last day of the financial year. मगर any other date and you will be finding some period of insurance premium that you have paid in current year, मगर जिसका service आपको मिलना बाकी है, वो बनेगा आपका प्रीपेड इंश्योरेंस. कहानी क्लियर? आगे बढ़ते हैं. डिविडेंड, होपफुली आपने समझ लिया है कॉन्सेप्ट डिविडेंड का, वो शेयर वाला मैंने अपने डाउट सेशन में भी समझाया था. तो होपफुली अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. हर साल आएगा तो ये हो जाएगा रेवेन्यू रिसीट, और क्योंकि रेवेन्यू रिसीट है तो मैंने तुमको पैसा दिया वापरने को, तुमने सामने वो वापरा, अपने बिजनेस में प्रॉफिट किया और उसका हिस्सा मुझे दिया. कहानी खत्म. इट्स अ कैश ट्रांजैक्शन. नो नेम विल कम इफ यू कैन अंडरस्टैंड. एंड बिकॉज नो नेम विल कम सो दिस इज इम्पर्सनल. Remember, any revenue expense, revenue receipt, loss, gain is impersonal. क्योंकि loss तभी होता है जब मैंने आपको दिया, सामने आप कुछ नहीं देने वाले, पक्का है. Gain तभी होता है जब आपने कुछ दे दिया, मैं सामने कुछ नहीं दूंगा, पक्का है. Expense तभी होगा जब मैंने आपको कुछ दिया, सामने आपने मुझे कुछ दे दिया, खत्म हो गया. और receipt भी, revenue receipt, आपने मुझे कुछ दिया, मैंने सामने आपको कुछ दे दिया, पक्का है. जब ये होता है इंपर्सनल बन जाता है. होप दैट इज क्लियर. आगे बढ़ते हैं. डिस्काउंट अलाउड, इट्स अ लॉस, और क्योंकि लॉस है तो किसी ने इसमें भी वो कनेक्शन हुआ. सर डिस्काउंट अलाउड, यू गेट डिस्काउंट फ्रॉम डेटर, यानी ये पर्सनल हुआ ना? नहीं, मीनिंग पकड़ना है. डिस्काउंट अलाउड इज अ लॉस. Can loss do activities in its own name? Can loss sue others? Can loss be sued by others? No. So loss is impersonal. Same way, discount received. That's your game. When you pay less than what you were supposed to pay, and that's why it is
इम्पर्सनल। आगे बढ़ते हैं, बैड डेट्स, दैट पार्ट ऑफ व्हेन अ डेटर डिफॉल्ट्स ईदर इन फुल और इन पार्ट, सच डेटर्स आर रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बुक्स, या बुक से बाहर कर दिए जाते, व्हिच रिजल्ट्स इनटू अ लॉस टू बिजनेस, एंड दैट लॉस इज आइडेंटिफाइड इन बिजनेस एज बैड डेट्स। लॉस है, इंपर्सनल अकाउंट बन जाएगा। बैड डेट्स रिकवर्ड when a debtor who had defaulted earlier and who had been written off earlier pays you later, it results into recovery of loss. That recovery of loss becomes a gain to business, and that gain is termed as bad debts recovered. Whether it's a revenue receipt, revenue expense, loss or gain, it is always impersonal. Hope things are clear to everyone. Moving further, machine किसी ने सर मशीन बिल्डिंग ये सब में तो पता ही नहीं चलता एक्सपेंस है लॉस है इनकम है या गेन है। भैया मशीन बिल्डिंग दिस आर योर असेट्स, यू हैव टू बाय देम, यू हैव टू एक्वायर देम, टू बाय देम, टू एक्वायर देम, यू हैव टू परचेज देम, होप दैट इज, एंड व्हेन यू परचेज यू पे फॉर इट, इट्स योर कैपिटल एक्सपेंस। व्हाई इट्स योर कैपिटल एक्सपेंस? बिकॉज यू डोंट परचेज मशीन, यू डोंट एक्वायर मशीन, यू डोंट एक्वायर बिल्डिंग, you don't acquire furniture, you don't acquire vehicle every year. You acquire them whenever you acquire them, you acquire them for more than one financial year because it has benefit of more than one financial year. So then all this machine, furniture, vehicle, building, land, they are nothing but your assets. But they on their own cannot, are not falling in this any of the categories. They cannot do activities in their own name. They cannot sue others. They cannot be sued by others. So they are impersonal account. इस पर तो पूरा केस किया था हमने, पता है वो राहुल सर और वो एक छोटा बच्चा, मेरे भाई का बेटा है वो, that cute little kid. And they were like, can you touch this? Can you feel this? पता है वो पूरा केस किया था हमने. But वो बिल्डिंग, वो टेबल, वो गाड़ी cannot be, cannot do activities in their own name, cannot sue others, cannot be sued by others. And that's where they are impersonal accounts. आगे देखते हैं, depreciation on machine. Now depreciation is exhausted part of capital expense. It is a revenue expense called as depreciation. तो पहले तो ये revenue expense है. अब direct है कि indirect है, तो अगर machine factory का है तो ये depreciation direct expense हो जाएगा. Machine अगर office का है तो यही depreciation आपका indirect expense हो जाएगा. क्योंकि expense है तो impersonal account. Hope you are getting what I am trying to convey. Hope this session is making sense. Before I go to the next level, make sure you are absolutely, I repeat, absolutely clear with this entire funda. आगे बढ़ते हैं, donation. किसी ने ये भी पूछा था कि जब नुकसान ही है तो फिर कंपनी donation देगा ही क्यों? They are forced to. They are forced to, and that's why they do it. Hope that is clear. So basically it's a loss, और क्योंकि loss है तो impersonal तो बनता ही है. Hope you can understand, loss doesn't fall in any of the category. Hope that is clear. So loss है, gain है, revenue expense है, revenue receipt है, they don't fall in any of the category. They don't fulfill any of the criterias. That's why they are always impersonal. याद रखना. Rent received. You receive it every month, so it's a receipt. You receive it every month, so it's your revenue receipt. And because it's your revenue receipt, so it's impersonal. मगर अगर आपने किसी को प्रॉपर्टी यूज करने को दिया,
तो आपने सर्विस दे दिया मगर उसने सामने पैसा नहीं दिया, अब ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ तो अब वो पर्सन अपने बुक में आएगा, उस पर्सन एक से ज्यादा है ग्रुप पे लेकर आएंगे, उस ग्रुप को कहेंगे रेंट, रिसीवेबल, विच इज रिप्रेजेंटिंग द पर्सन जिसको हमने सर्विस दिया मगर जिससे हमें पैसा रिसीव करना बाकी है, तो इट्स योर असेट, बट इन असेट इट्स माय करंट असेट एंड इट रिप्रेजेंट्स द पर्सन, सो इट इज पर्सनल अकाउंट. आगे बढ़ते हैं, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, once again rent received in advance, don't focus on rent, it is basically representing the person, sorry, it is basically representing the person jise paisa le liya hai magar abhi tak humne usko property diya hi nahi hai use karne ke liye, hope that is clear. So humne पैसा ले लिया है, हमें सर्विस देना बाकी है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गया, नाम आएगा जिसको बेनिफिट देना बाकी है, एक बंदा होता नाम लिख देते, एक से ज्यादा हुआ ग्रुप में लेकर आएंगे, उस ग्रुप को कहेंगे रेंट रिसीव्ड इन एडवांस. सो रेंट रिसीव्ड इन एडवांस रिप्रेजेंट्स दैट पर्सन, तो पर्सन तो भैया पक्का है जिससे हमने पैसा ले लिया है मगर जिसको सर्विस देना बाकी है, तो इट्स अ लायबिलिटी, एक साल के अंदर दे देंगे तो करंट लायबिलिटी. होप दिस इज मेकिंग सेंस टू एवरीवन. आगे बढ़ते हैं, कैपिटल गो टू बेसिक डेफिनेशन, इट इज Representing owner's account in books of business, वहीं पर बात खत्म हो गई, person तो वहीं हो गया क्योंकि owner का account है, और क्योंकि personal हुआ तो आप पूरी definition भी देख लेते कि भैया benefit लेना बाकी है देना बाकी है, तो any monetary benefit given by owner to the business either for commencement or expansion is recorded in books of business as owner's capital. It also represents owner's stake in the business. Owner ne business ko benefit diya, to business ko lautana baaki hai. So yes, it's a liability and in that non-current or you can say internal liability. Hope that is clear. Uske baad aata hai aapka interest on capital. Pehli baat, इंटरेस्ट देखो, यानी इतना समझ लो या तो रेवेन्यू रिसीट है या तो रेवेन्यू एक्सपेंस है, इंटरेस्ट और कुछ नहीं हो सकता है. अगर हमें पे करना है तो रेवेन्यू एक्सपेंस, रिसीव करना है तो रेवेन्यू रिसीट, पे कौन करेगा रिसीव कौन करेगा तो सेक्रीफाइस देखना है, जो सेक्रीफाइस करेगा उसके लिए रिसीट, सामने वाले के लिए एक्सपेंस, हमें 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 हमेशा अपने बिजनेस के एंगल से देखना है. कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कैपिटल क्या था, मॉनिटरी बेनिफिट गिवन बाय ओनर टू द बिजनेस, सेक्रीफाइस ओनर का हुआ तो उसके लिए इंटरेस्ट इनकम है, बट वी आर लीस्ट कंसर्न विद हिम, उसके लिए इनकम है, यानी बिजनेस के लिए ये बन जाता है रेवेन्यू एक्सपेंस, और यहीं पर बात खत्म हो गई क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंस है तो कैपिटल यस पर्सन, मगर उस पर जो इंटरेस्ट निकाला दैट इज इनपर्सनल, खर्चा है ना, खर्चा थोड़ी अपने नाम पर बिजनेस करेगा, खर्चा थोड़ी किसी को स्यू करेगा, खर्चा थोड़ी किसी से स्यू होगा, और खर्चा इनमें से कोई कोई कैटेगरी में नहीं फॉल कर सकता. हाँ, अगर ये खर्चा नहीं पे किया तो इंटरेस्ट पेबल बन जाएगा, अब ये पर्सनल होगा, मगर ये इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पेबल आएगा तो ये पर्सनल होगा. आगे बढ़ते हैं, बैंक बैलेंस आज ही सुबह बात कर ली, बैंक बैलेंस इज माई मनी विद बैंक, मेरा पैसा बैंक के पास, तो मुझे बैंक से वो पैसा लेना बाकी है तो ये मेरा बन गया असेट, उसमें करंट असेट, बैंक से लेना है तो बैंक तो पर्सन है तो ये पर्सनल अकाउंट हो गया. इंटरेस्ट ऑन बैंक बैलेंस
पहले तो इंटरेस्ट आया, यानी या तो रिसीट है, रेवेन्यू रिसीट है, या तो रेवेन्यू एक्सपेंस है। अब सेक्रीफाइस देखते हैं, बैंक बैलेंस मेरा पैसा बैंक के पास, सेक्रीफाइस किसका हो रहा है, मेरा मेरा बोले तो बिजनेस का, तो बिजनेस के लिए ये बनेगा रेवेन्यू रिसीट पहले तो नंबर वन। और रेवेन्यू रिसीट हुआ यानी इम्पर्सनल तो हो ही गया, होप दैट इज क्लियर। नेक्स्ट बैंक ओवरड्राफ्ट, दैट इज बैंक्स मनी लाइंग विद अस, बैंक का पैसा हमारे पास है जो हमें बैंक को लौटाना बाकी है, तो ये बन गया आपका लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, उसमें शॉर्ट टर्म लोन है ये। और किसको लौटाना बाकी है, बैंक को, बैंक इज अ पर्सन, सो इट इज पर्सनल। अब नेक्स्ट आएगा इसी पर इंटरेस्ट, ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, वंस अगेन इंटरेस्ट आया, तो या तो रेवेन्यू रिसीट या तो रेवेन्यू एक्सपेंस। रिसीट रादर सेक्रीफाइस, देखो बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक्स मनी लाइंग विद अस, सेक्रीफाइस बैंक का हुआ तो उनके लिए रिसीट है, तो हमारे लिए रेवेन्यू एक्सपेंस है, नथिंग टू डू विद प्रोडक्शन, सो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंस आ गया तो सीधा इन पर्सनल तो हो ही जाता है। होप यहां तक कहानी समझ में आ रही है, थोड़ा कंट्रोल में आ रहा है चीज है, एवरीवन मेकिंग सेंस। आगे बढ़ते हैं, लोन बोरोड, तो भैया लोन बोरो किससे करोगे, तो या तो बैंक से करोगे, या तो कोऑपरेटिव सोसाइटी, या तो किसी फर्म या कंपनी, या तो इंडिविजुअल, इन्हीं से करोगे। तो जिससे किया उसको लौटाना बाकी है, तो पहले तो ये लायबिलिटी बन गया, करंट भी हो सकता है, नॉन करंट भी हो सकता है, होप दैट इज क्लियर। एंड किससे लिया, तो इंडिविजुअल से लिया, इंडिविजुअल को लौटाना है, कंपनी को लौटाना है, फर्म को लौटाना है, सो किसको लौटाना है, तो किसी ना किसी पर्सन को लौटाना है, सो लोन इज ऑलवेज सम पर्सन्स अकाउंट, इट विल बी इंडिविजुअल्स लोन, कंपनीज लोन, फर्म्स लोन, बैंक्स लोन अकाउंट, होप दैट इज क्लियर। अब लोन बोरोड आया तो उस पर भी आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोड, वंस अगेन इंटरेस्ट आया तो या तो रेवेन्यू एक्सपेंस है या तो रेवेन्यू रिसीट है, जो सेक्रीफाइस करेगा उसके लिए रिसीट, सामने वाले के लिए एक्सपेंस। लोन बोरोड हमने या तो इंडिविजुअल से लोन लिया, कंपनी से लिया, कोऑपरेटिव से लिया, बैंक से लिया, हमने उनसे लोन लिया, सेक्रीफाइस उनका हुआ, उनके लिए ये इंटरेस्ट इनकम बनेगा, तो अपने लिए रेवेन्यू एक्सपेंस, नथिंग टू डू विद प्रोडक्शन, सो इट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और यहां पर इन पर्सनल अकाउंट, होप थिंग्स आर क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट इज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, याद है एडवर्टीजमेंट प्रमोशनल एक्सपेंस विच यू पे एवरी ईयर, सो इट्स योर रेवेन्यू एक्सपेंस, नथिंग टू डू विद प्रोडक्शन, सो इट्स योर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। रेवेन्यू आ गया यानी बात खत्म, इट इज इम्पर्सनल अकाउंट। फिर इसी से जुड़ा हुआ दूसरा नाम एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, इफ यू कैन रिमेंबर, ये एग्जाम्पल था डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस का, जो डेफर्ड रेवेन्यू का हिस्सा एग्जॉस्ट हो जाता है वो रेवेन्यू बन जाता है, उसे कहते हैं एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, और जो डेफर्ड रेवेन्यू का हिस्सा एग्जॉस्ट होना बाकी है उसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं फ्रॉम वन फाइनेंशियल ईयर टू अनदर फाइनेंशियल ईयर थ्रू आवर बैलेंस शीट एज व्हाट, फिक्टिशियस असेट इफ यू कैन रिमेंबर। एंड ये बिक नहीं सकता, ये तो ख्याल है हमारा, और क्योंकि ख्याल है तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट स्यू इट, अगर नहीं आया तो राइट 3 साल के बाद बिजनेस बंद हो गया, कैन यू स्यू दैट थॉट कि साले तेरे वजह से मेरा नुकसान हुआ, तू तो बोल रहा था 5-5 साल चलेगा, तू तो 3 साल में खत्म हो गया, कैन यू स्यू दैट, नो इट इज इम्पर्सनल। होप थिंग्स आर क्लियर। ड्रॉइंग्स
डेफिनेशन पर चले जाइए, इट्स ओनर्स अकाउंट, वहीं पर बात खत्म हो गई, ओनर इज पर्सन। देखिए किसका अकाउंट है या अकाउंट का मीनिंग क्या है उस पर ही उसका स्वभाव और उसका क्लासिफिकेशन है। ड्रॉइंग्स इज मॉनिटरी बेनिफिट रिसीव्ड बाय ओनर फ्रॉम द बिजनेस, बिजनेस को उतना बेनिफिट ओनर से लेना बाकी है, तो ये हो गया असेट। मे बी करंट, मे बी नॉन करंट, दैट्स डिफरेंट स्टोरी। उसी पर आया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, वंस अगेन इंटरेस्ट है तो या तो रेवेन्यू एक्सपेंस है या तो रेवेन्यू रिसीट है। सेक्रीफाइस देखते हैं, इट इज बेनिफिट रिसीव्ड बाय ओनर फ्रॉम द बिजनेस, सेक्रीफाइस बिजनेस का है तो ये बिजनेस के लिए रेवेन्यू रिसीट हो गया। रेवेन्यू रिसीट हुआ या नहीं, पर्सनल सीधा है। होप थिंग्स आर क्लियर। आगे बढ़ते हैं, स्टेशनरी एक्सपेंस, जिसने भी ये होमवर्क किया होगा ना, आई एम श्योर उनका टेस्ट बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि दिस कवर सो मेनी आइटम्स। जस्ट चेक आउट, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टर्म्स दैट आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू। यानी अगर ये प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर दिया है तो आपके लिए ये क्लासिफिकेशन वाला जो फंडा है ना वो बहुत सिंपल हो जाएगा। स्टेशनरी एक्सपेंस कंज्यूम हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है, तो इट्स रेवेन्यू एक्सपेंस, नथिंग टू डू विद प्रोडक्शन, सो इनडायरेक्ट एक्सपेंस और रेवेन्यू एक्सपेंस है तो इनपर्सनल तो पक्का है। फिर आगे बोला है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ये स्टेशनरी का वो हिस्सा है जो साल के एंड में कंज्यूम होना बाकी है, क्योंकि होना बाकी है तो कब कंज्यूम होगा, अगले साल, क्योंकि अगले साल कंज्यूम होगा तो बेनिफिट अभी अगले साल हमें मिलेगा। ऑन 31 मार्च मुझे इसमें से बेनिफिट मिलना बाकी है, तो ये बन गया असेट और उसमें बना करंट असेट। वंस अगेन ये पेन अनकंज्यूम रह गया, 31 मार्च है, आई कैन स्टिल राइट, बट कैन दिस डू इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन इट्स ओन नेम, नो। कैन इट सू अदर्स, कैन इट बी सूड बाय अदर्स, नो। सो दिस इज श्योरली इनपर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट परचेज, तो परचेज बोला तो डेफिनेटली परचेज ऑफ गुड्स, हर महीने हर दिन हर वीक हर साल करेंगे तो रेवेन्यू एक्सपेंस, एंड रेवेन्यू एक्सपेंस बना तो इनपर्सनल तो पक्का है। सेल्स, इट इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स अगेंस्ट कैश, तो ये रिसीट हुआ हर साल एटलीस्ट एक बार तो हो गई, एक बार से काफी ज्यादा होता है मगर एक बार तो हो गई, तो रेवेन्यू रिसीट हो गया। और क्योंकि रेवेन्यू रिसीट हो गया तो इम्पर्सनल तो पक्का है। देन देयर इज स्टॉक ऑफ गुड्स, ये परचेज किया उसका वो हिस्सा जो बिका नहीं उसे कहेंगे स्टॉक, बिकना बाकी है यानी ऑन 31 मार्च बेनिफिट मिलना बाकी है, तो ये बन गया आपका असेट। और हम तो ऐसा ही मान के चलेंगे कि तुरंत का तुरंत बेच देंगे, यानी विद इन 1 ईयर इसका बेनिफिट मिल जाएगा, करंट असेट। एंड गुड्स कैन नॉट डू एक्टिविटीज इन देयर ओन नेम, सो इट इज इम्पर्सनल। आई एम रिमूविंग दिस साइड बिकॉज आई विल कंक्लूड फ्यू थिंग्स व्हेन आई एंड, तो ये हटा देता हूं और बाकी के ट्रांजेक्शन यहीं ले लेता हूं। पेटेंट, किसी ने ये अच्छा पूछा था, सर पेटेंट्स आर बेसिकली योर असेट्स राइट, इफ यू कैन रिमेंबर, नॉन करंट असेट और यू कैन से इनटेंजिबल असेट, बट पेटेंट्स आर राइट्स,
यू कैन फील, यू कैन सी, बट यू कैन नॉट टच. एंड पेटेंट्स आर फॉर्मुलाज मेड बाय कंपनी, सो फॉर्मुलाज बाय देमसेल्व्स कैन नॉट डू इकोनॉमिक एक्टिविटीज. दे कैन नॉट सू अदर्स, दे कैन नॉट बी सूड बाय अदर्स. दे आर ओन्ड बाय कंपनी, दैट कंपनी कैन डू इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दैट कंपनी कैन सू अदर्स, दैट कंपनी कैन बी सूड बाय अदर्स. सो पेटेंट इन इटसेल्फ इज इंपर्सनल. Same is with goodwill. It's your ability to earn over and above others. That's your ability. तो अभी भी मेरे में वो ability बाकी है, उसका benefit मिलना बाकी है, तो वो asset हो गया. उसमें non-current या फिर intangible asset. और खुद अपने आप पर वो business नहीं कर सकता है, ना ही किसी को sue कर सकता है, ना ही it can be sued by others. हाँ, one who owns it. They can do activities in their own name. They can sue others. They can be sued by one who owns it. But as in individual item, goodwill, it cannot do activities in its own name. Loss by fire. It's a loss, basically. मैंने loss के समय ये concept समझाया था. तो loss है तो सीधा impersonal तो हुई गया. Hope that is clear. नेक्स्ट इज डेटर. देखो डेटर के तो मीनिंग का पहला लाइन एनी पर्सन फॉर्म और इंस्टीट्यूट. तो डेटर बनने के लिए आपको पर्सनल तो होना ही चाहिए. टू हुम बिजनेस हैज गिवन गुड्स सर्विस बट फ्रॉम हुम बिजनेस इज येट टू रिसीव बेनिफिट, यानी असेट है. और उसमें भी कौन सा, एक साल के अंदर पैसा पक्का आ जाएगा, वो वाला असेट है, इसलिए करंट असेट. उसके बाद क्रेडिटर. वंस अगेन उसके तो नाम में ही, उसके डेफिनेशन में ही एनी पर्सन फर्म और इंस्टीट्यूट, यानी पर्सनल तो पक्का है. फ्रॉम हुम बिजनेस हैज रिसीव्ड गुड्स रिसीव्ड सर्विस बट टू हुम बिजनेस इज येट टू पे बैक. Yet to pay back यानी liability, और एक साल के अंदर pay back करेंगे तो current liability. Next is electricity expense. मगर factory का हर महीने, हर दो महीने भरना पड़ता है, तो ये revenue expense हो गया. factory का है तो रिमेंबर डायरेक्ट हो गया, और रेवेन्यू एक्सपेंस है यानी इन पर्सन तो पक्का है. और इसके बाद वाला जानबूझ के दिया ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो. इट इज इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, मगर इस बार हमने दिया ऑफिस, तो ये भी दो महीने भरना पड़ता है, हर दो महीने भरना पड़ता है. बट ऑफिस का है तो प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, तो ये हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, नथिंग टू डू विद प्रोडक्शन, सो इट इज इनडायरेक्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंस है, इंपर्सनल भी हो गया. रिपेयर एक्सपेंस, देखिए जितना बड़ा बिजनेस उतना कुछ ना कुछ तो रिपेयरिंग आता ही रहता है, यानी हर साल करवाना ही पड़ता है, तो ये बन गया आपका रेवेन्यू एक्सपेंस. अगर प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई चीज का रिपेयर है तो डायरेक्ट, प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है तो इनडायरेक्ट, और क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंस है तो भैया इनपर्सनल तो पक्का है. कहानी क्लियर है एवरीवन? होप दिस एंटायर थिंग इज मेकिंग सेंस एंड होप दिस सेशन इज मेकिंग सेंस. दिस वॉज नॉट इन माई शेड्यूल टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मैं नहीं करने वाला था, पर फिर मुझे लगा चलो कर लेता हूँ, क्योंकि बिफोर आई गो टू नेक्स्ट सेशन, एज आई टोल्ड यू, इट्स नॉट मी, इट्स अस हु विल बी गोइंग टू नेक्स्ट सेशन. सो टू मेक श्योर दैट इट इज अस हु इज गोइंग टू नेक्स्ट सेशन, दिस एंटायर सेशन वाज डिजाइंड. फ्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशंस एवरीवन ऑन बोर्ड. अंदर देखना और लायबिलिटी कहां कहां है वो मुझे बताना, ठीक है? तो एक यहां पर आया, फिर एक यहां पर आया, एक यहां पर आया, यहां पर भी आया, अरे यहां पर भी आया,
सारी है, लॉयबिलिटी, चलो यहां पर भी आया, सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, छह जगह लायबिलिटी आया। अब ये छह के छह में एक एनालिसिस दे रहा हूं, ठीक है, एनालिसिस का रीजन कल दूंगा, आज सिर्फ एनालिसिस दे रहा हूं, ठीक है, कि जब लायबिलिटी की बात करेंगे ना, तो छह के छह लायबिलिटी में कॉमन चीज देखो, पर्सनल, 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 पर्सनल एंड पर्सनल। कंक्लूजन इज इफ इट इट्स अ लायबिलिटी टू यू, रिमेंबर इट हैज टू बी पर्सनल ओनली। अ लायबिलिटी कैन नेवर, आई रिपीट, नेवर एवर विल बी इम्पर्सनल। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये ट्रिविया है, आप मुझे बताओगे ऐसा क्यों, सोचकर रखिए, कल इस पर हम बात करेंगे। असेट में ऐसा नहीं है, आप अगर असेट देखोगे, आई चेंज द कलर ऑफ द पेन सो दैट ये हाईलाइट आपके पास रहे, अगर आप असेट देखोगे, देखो ये असेट, ठीक है, ये असेट, ये भी असेट, ये भी असेट, ये भी असेट, फिक्टिशियस को फिक्टिशियस असेट, असेट ही है, असेट, 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 ओके, काफी सारे हो गए, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह, ग्यारह असेट। मगर असेट के सामने देखो, द सेम कंसेप्ट इज नॉट देयर इन केस ऑफ असेट, जस्ट चेक आउट, ये वाला असेट यस पर्सनल है, मगर ये इम्पर्सनल हो गया, ये पर्सनल हो गया, ये भी पर्सनल हो गया, मगर ये इम्पर्सनल हो गया, ये पर्सनल हो गया, ये इम्पर्सनल हो गया, ये इम्पर्सनल हो गया, ये इम्पर्सनल हुआ, ये इम्पर्सनल हुआ, और ये पर्सनल हुआ। तो असेट, कुछ असेट पर्सनल है, कुछ असेट इम्पर्सनल है, दोनों है बेसिकली, मगर लायबिलिटी कुछ भी हो जाए, जस्ट चेक आउट, इट्स ऑलवेज पर्सनल। यू कैन सर्च, यू कैन सर्च एज मेनी लायबिलिटीज एज यू वांट, थिंक ऑफ इट एंड द कंक्लूजन हैज टू बी, अगर लायबिलिटी है तो पर्सनल है, अगर पर्सनल नहीं है तो लायबिलिटी नहीं है, ठीक है। ऐसा क्यों, ये मजेदार कहानी है, इस पर हम कल बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल होपफुली दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर, ऐसे ही कुछ और टर्म्स आपको दिए जाएंगे तो होमवर्क कर लेना, इसका मैं सिर्फ सॉल्यूशन दूंगा आपको, इसका जो होमवर्क होगा उसका सिर्फ सॉल्यूशन दूंगा, इस तरह से सेशन नहीं होगा, कल के सेशन में कुछ नया सीखेंगे, तो कल का सेशन मिस मत करना, बहुत बढ़िया, बहुत मजेदार होने वाला है, ठीक है, कुछ नया, इसी चीज को हम एक और लेवल पर ऊपर ले जाएंगे, वो कौन सा लेवल है कल देखते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टू मच ऑफ टाइम, #, घर बैठे पढ़ो, स्टे होम, स्टे सेफ, एंड टेक अटमोस्ट केयर ऑफ योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। सी यू ऑल टुमारो, बाय बाय, सी यू ऑल।